हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इस प्रीमियम व्लॉगिंग किट को। अब इसको मैं प्रीमियम व्लॉगिंग किट किस वजह से कह रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपको मिल जाएगा एक ट्राईपोर्ड जिसको आप लोग कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हो, उसके साथ ही आपको मिल जाएगा एक माउंट जिसमें आप लोग फोन लगा सकते हो, और इतनी बड़ी आपको एक सॉफ्ट लाइट मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और एक आपको माइक्रोफोन भी मिल जाएगा। तो जिसके फ़ोन की ऑडियो क्वालिटी नहीं सही है तो यहाँ पर माइक्रोफोन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब इस ब्लॉगिंग किट को यूज़ करने के मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे यही लगता है, ये किट जब आप यूज़ करोगे तो आप एक कंप्लीट ब्लॉगर लगोगे। आप मार्केट में जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे तो लोग आपको दूर से देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ये बंदा एक ब्लॉगर, इसका यूट्यूब पे चैनल होगा, अच्छी खासी ऑडियंस होगी, तभी तो इतना यह प्रीमियम सेटअप लेके घूम रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब फ़ोन से ब्लॉगिंग करते हो तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि हाँ, ये बंदा ब्लॉगर होगा, कोई छोटा मोटा सा, बट जब आप एक किट के साथ ब्लॉगिंग करते हो तो लोग आपके साथ आते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, बाद में जाके घर पे वही चैनल का नाम वगैरह सर्च करते हैं कि उनकी वीडियोस वगैरह आई हैं या फिर नहीं, उस चीज़ को देखने के लिए। इससे आपका चैनल भी बूम करता है और एक मतलब आप कंप्लीट अच्छे वाले ब्लॉगर लगते हो। तो मैं बोलूँगा कि ये किट आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इस किट की कुछ खास कीमत भी नहीं है, फ्रोक्स आपको यह अमेजोन पे 1500 रुपये के आसपास मिल जाती है, और अगर आप मार्केट में पता करोगे तो 1100-1200 रुपये की मिल जाएगी, और अगर आप सेलर से बाय करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज़ के अप्रोक्स ये मिल जाएगी। प्राइस अप डाउन करता रहता है, तो आपको मैं सेलर का लिंक और अमेजोन का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। अब आज की इस वीडियो में मैं कमरूंगा इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसका सेटअप करके और इसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी सब कुछ कैसे कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे हमारी ये वाली किट है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसे हम लोग आराम से ऐसे बाहर निकालते हैं। तो ये आपको कुछ किट इस तरीके को देखने को मिलेगी। तो एक बार मैं इसे यहाँ पर फोकस कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये वाला एक मतलब जो ट्राईपॉड होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग इस तरीके से मतलब स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसे ऐसे कहीं पर भी खड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ये आराम से हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे साइड में इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है, जो कि क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये वाली क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि शॉटगन में होती है, बट ये शॉटगन नहीं है, ये कोई और ही माइक है, बट हाँ ये अच्छा है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसका पॉपअप फिल्टर, तो मैं इसे रखता हूँ फिलहाल साइड में। और ये एक हमें वायर मिल जाती है जो कि माइक और फ़ोन को अटैच करने के लिए होती है, और एक यहाँ पे हमें ये ब्लूटूथ वाला मिल जाता है, इसके अंदर एक सीमोस वाली बैटरी पड़ती है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ओपन करके। तो ये वाली एक छोटी सी इसमें बैटरी पड़ती है कुछ इस तरीके से, जिससे ऑपरेट होता है। तो ये टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, बट इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। और इसको ऑन ऑफ कहाँ से करना है, यहाँ पर आपको छोटा सा स्विच मिल जाता है जिसको आप दबाओगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ोन से कनेक्ट कर लो और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो इसको रखते हैं लोग साइड में। और एक हमें यहाँ पर एक ये वाला माउंट मिल जाता है, तो माउंट की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, कोई सस्ता सा माउंट नहीं है ये देखो। अब यहाँ पे अगर आप फ़ोन अपना अटैच करोगे तो आपका फ़ोन ऐसे झटके से बाहर नहीं गिरेगा, बिल्कुल दोनों साइड में यहाँ पे हल्की हल्की सी एक मतलब नॉच दी गई है जिससे आपका फ़ोन कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पे आप अपना जो मतलब माइक्रोफोन या फिर LED माउंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमारा लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट जो कि है ये वाली लाइट, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ये वाली लाइट हमारी कुछ इस तरीके की, इसके पीछे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ऑन ऑफ का एक बटन रहेगा, और यहाँ पे बैटरीज पड़ती है AAA वाली, और यहाँ पे आप लोग कुछ लगा सकते हो, जैसे माइक लगाना चाहते हो ऊपर भी लग जाएगा और यहाँ पे साइड में भी लग जाएगा। तो एक बार मैं अगर ओपन करके दिखाऊँ तो इसके साथ में बैटरीज नहीं मिलती हैं, बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो बैटरी हमें इसमें खुद की लगानी पड़ती है, मतलब 20-30 रुपये हमारे खुद के और खर्चा होने वाले हैं। ओके, तो मैंने इसके अंदर बैटरीज अभी लगा ली है, तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ऑन करके उसकी क्वालिटी। इस लाइट पर दिखाते हैं, सॉरी, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको तीन मोड देखने को मिल जाएंगे, ये इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड है और ये इसका थर्ड है, जो कि काफ़ी ब्राइट है, बिल्कुल आपको आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें इसके साथ मिलती है। तो चलिए फटाफट से इसे माउंट कर लेते हैं, फिलहाल मैं इसको रखता हूँ बिल्कुल साइड में, और यहाँ पर हम लोग फटाफट से सभी चीज़ों को माउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इस ट्राईपॉड के साथ माउंट, तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। और इस ट्राईपोर्ड को ऐसे घुमाने के लिए, मतलब ये बिल्कुल लोकल सा भी नहीं है कि हाँ अरे अपने आप ही घूम जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ से दो बटन लगे होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों को ऐसे प्रेस करोगे उसके बाद आप इसे ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ये वाला माउंट इसमें, तो ये दोनों तरीके से लगा सकते हो, एक आप ऐसे लगा सकते हो या फिर एक ऐसे लगा सकते हो। तो ये वाला यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, तो इसको बस आपने ऐसे ऐसे कसना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको छोटा सा लॉक देखने को मिलेगा, तो ये ना टूट जाए, मतलब थोड़ा कसने के बाद फिर आपको नीचे से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ेगा। तो ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये टाइट हो चुका है। उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे, अगर आप डे टाइम शूट कर रहे हो ना, तो आप सिंपल यहाँ पे माइक लगा दो, आपको लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिन में कौन लाइट ही इस्तेमाल करता है। तो उससे पहले हम लोग इसका स्क्रू लूज़ करते हैं।
ओके तो आप डायरेक्टली इसमें अपनी जो माइक है यहाँ पे अटैच कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हो। बट मैं आपको कंप्लीट किट सेटअप करके दिखा रहा हूँ, तो फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ। पहले लाइट लगाते हैं, तो इसे हम लोग इससे पहले लूज़ कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये लाइट हमारी लग चुकी है, उसके बाद हम माइक लगाएंगे। चलिए फटाफट से माइक को टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी जो किट है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार फोकस करके। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये वाली केबल लगानी है जिसको आप लोग फ़ोन और माइक की है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। पहले से मैं ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक स्टिकर देखने को मिलेगा, मतलब ये वाला माइक के अंदर लगाना है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे दूसरी साइड पे आपको दिख जाएगा ये मोबाइल के ऊपर लगाना। तो ये सिंपल हम लोग माइक के पीछे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो दैट्स इट, ये हमारा एक कंप्लीट सेटअप बन के रेडी हो चुका है, जो अभी आपको देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ये वाला हमारा ब्लूटूथ, तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया। तो चलिए चेक करते हैं अब इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो गाइस, सब कुछ फिक्स करने के बाद आपकी किट कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद आप लोग अपना इसमें फ़ोन को माउंट कर सकते हो। तो चलिए फ़ोन को यहाँ पे माउंट करते हैं। मेरे पास एक फ़ोन है, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, एक यहाँ पे एक प्लास्टिक का सॉफ्ट सा दिया हुआ है, इससे आपका फ़ोन बाहर भी नहीं निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे अपना हेडफोन यानी कि माइक। ओके, तो चलिए अब हम लोग कैमरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो गाइस, अभी आप लोग को पता लग रहा होगा कि मैं इसी ब्लॉगिंग किट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और स्टेबिलिटी वगैरह आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अभी लाइट इसकी बंद है, तो मैं लाइट को ऑन करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट लाइट, फर्स्ट मोड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सेकेंड पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा और ब्राइट हो गया, और थर्ड पे करते हैं तो थोड़ा और ब्राइट हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बात करें जो अभी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसी माइक्रोफोन से हो रही है जो कि इसके साथ अटैच है, तो ऑडियो क्वालिटी भी आप लोगों को पता लग जाएगी। बाकी मेरे को अभी नहीं पता लग रहा है, तो मेरे को एडिटिंग टाइम में पता लग जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में क्वालिटी समझ में नहीं आ रही होगी लाइट की, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फर्स्ट मोड है, जो कि आपको पता लग रहा होगा इतनी दूर से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। और ये इसका सेकेंड मोड है, और ये इसका थर्ड मोड है। तो देखो कितना ज़्यादा ब्राइट है ये। तो इस तरीके से आप लोग इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा रिमोट मिलता है, ये इसलिए होता है कि आप अपनी फोटोज़ वगैरह को क्लिक कर सको। इसके अंदर एक सीमोस की बैटरी पड़ती है, और बस वही है। और इसके अलावा यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे ऑन करोगे यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद आप ब्लूटूथ से सिंक कर लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट पिन में, दोनों जगह पर मिल जाएगा, सेलर और अमेजोन का। आप कहीं से भी जाकर बाय कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन कोरिया डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट इंस्टाग्राम पे जब मैसेज करोगे तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो जरूर करने लेना, बिकॉज इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं हर नहीं चेक कर पाता हूँ। जो फॉलो करते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन देख के वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।